morning students, how are you all? I hope you are very well. और अपने छुट्टियों को enjoy कर रहे होंगे, लेकिन enjoy करने के साथ साथ आपको याद होगा कि आपकी online classes में आपको अपनी study को भी continue रखना है. तो आइए हम class 7 lesson first number system. lesson का नाम क्या है? number system. नंबर सिस्टम क्या होता है? एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम. नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका जो होता है वो हमारा नंबर सिस्टम कहलाता है. ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्थित रूप से नंबर को रिप्रेजेंट करना हमारा क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम. अब आप सोच रहे होंगे कि नंबर सिस्टम मैथ के अंदर होता है, कंप्यूटर के अंदर नंबर सिस्टम क्या होता है? लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि जो कंप्यूटर है हमारा वो सिर्फ जीरो और वन को ही समझता है, ओनली टू डिजिट्स. और इनको कौन सी डिजिट बोलते हैं? बाइनरी डिजिट. अगर हम कंप्यूटर के अंदर कोई लेटर वेक्टर और कुछ भी लिखते हैं तो कंप्यूटर उसको नहीं समझता. जो हमारा नंबर सिस्टम है उसको जीरो और वन की फॉर्म में चेंज करता है, तब कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर पाता है और हमें उसकी आउटपुट दे पाता है. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम. जो हमारा नंबर सिस्टम है उसके फोर टाइप्स होते हैं. देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम: बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. ओके स्टूडेंट्स, कितने टाइप्स होते हैं नंबर सिस्टम के? फोर टाइप्स होते हैं: बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. अब आइए हम देखते हैं कि बाइनरी नंबर क्या होता है. बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो टू होता है, और इसके अंदर जो डिजिट यूज होती है जीरो और वन, सिर्फ दो ही डिजिट यूज होती है जिनको डायरेक्ट कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है. और बेस कितना होता है बाइनरी नंबर का? टू होता है. उसके बाद है ऑक्टल नंबर. जो ऑक्टो वर्ड है, ऑक्टो वर्ड का मीन होता है एट. क्या मीनिंग होता है ऑक्टो वर्ड का? एट. तो वर्ड अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है तो आप उसकी डिजिट भी पता कर सकते हो, इसी से रिमाइंड कर सकते हो और उसका बेस भी. जितनी डिजिट हम यूज करते हैं किसी नंबर सिस्टम में उतना ही उसका बेस होता है. अब जैसे इसमें टू डिजिट की बात करें तो इसका बेस क्या होगा? टू. अब इसका मीनिंग ऑक्टो वर्ड का मीनिंग है एट. सिक्स और टेन निकले 16.
फोर डिजिट्स 0 2 9 प्लस ए बी सी डी ई और एफ, ये हमारे लेटर और 0 to 9 डिजिट, 10 डिजिट होगी, 6 हमारे लेटर होगी। अब आप सोच रहे होंगे ए बी सी डी, जो ए रिप्रेजेंट करेगा वो हमारा 10 नंबर को करेगा, ये 11 को, ये 12 को, 13 को, 14 को और 15 को, 15 नंबर तक हमारे क्या है जो है काउंट। तो अब हम इसके टेबल बनाते हैं जिससे आप इजीली याद रख सकते हो इनको। यहाँ पर आप बाइनरी नंबर सिस्टम है तो बाइनरी डाल दीजिए, उसका बेस कितना है 2, डिजिट कौन सी है 0 और 1, इससे आपको लर्न करने में आसानी होगी। वैसे तो मैंने वर्ड लिंग से आपको अच्छे से डिफाइन कर दिया है, आप इसको लाइफ टाइम भूलोगे अगर कोई अच्छे से इसको समझ के लर्न करेगा। उसके बाद सेकेंड हमारा है नंबर सिस्टम ऑक्टल। ऑक्टल का बेस क्या है, ऑक्टो मीन्स 8 और डिजिट कौन सी है उसकी 0 से 7। उसके बाद थर्ड नंबर पर है डेसिमल। डेसिमल का मीनिंग है 10, तो इसका बेस क्या हुआ 10, और डिजिट की होंगी इसकी 10, तो कितनी 0 to 9। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट हमारा हेक्साडेसिमल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट करते हैं बाइनरी एडिशन। बाइनरी नंबर को हम ऐड कैसे करेंगे? अगर हमें दो बाइनरी नंबर दे दिए जाए तो उसको हम ऐड कैसे करेंगे? उसके लिए आपको एक टेबल लिखनी पड़ेगी, आपको याद करना पड़ेगा। पहली वाली को लिख दिया मैंने ए, सेकंड वाली को लिख बी, और ए प्लस बी दोनों का सम क्या होगा, और यहाँ पर हमने लिखा है कैरी। अब देखिए अगर हमारी एक डिजिट 0 है और दूसरी डिजिट भी 0 है तो उनका सम होगा हमारा 0 और कैरी भी जाएगा हमारा 0। सेकंड अगर हम एक वाली 0 लेते हैं दूसरी 1 लेते हैं तो आंसर होगा हमारा 1, कैरी होगा 0। उसके बाद अगर एक वाली 1 है दूसरी 0 है तो होगा 1 और कैरी होगा 0। और लास्ट में क्या है, अगर दोनों वाली 1 है तो आंसर होगा 0 और कैरी होगा।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं बाइनरी एडिशन कैसे करना है वो देखिए। अब आपको पहले ये लर्न करनी पड़ेगी जीरो जीरो कितना होता है, जीरो और कैरी जीरो कुछ नहीं जाएगा, जीरो जीरो वन अगर डिजिट है तो आंसर क्या होगा हमारा, वन, कैरी जाएगा जीरो। अगर वन है जीरो है तो आंसर आएगा वन, कैरी जाएगा जीरो। अगर वन है कुछ भी लीजिए आंसर आएगा जीरो और कैरी में जाएगा वन। सबसे पहले तो आपको ये टेबल लर्न करनी होगी ताकि आप बाइनरी एडिशन अच्छे से कर पाए। अब देखिए हमारे पास डिजिट है, बाइनरी में दो डिजिट ले ली हमने। अब हमने इसका सम करना है। अब टेबल में देखिए वन और वन, फर्स्ट डिजिट वन है, सेकंड डिजिट वन है, वन और वन जीरो, और नेक्स्ट में क्या है कैरी वन, तो कैरी चला गया यहां। तो अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, फिर से वन और वन जीरो, कैरी किससे चला गया, वन और वन जीरो, कैरी किससे चला गया। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, ट्रिपल वन, ट्रिपल वन की टीम अभी हमने बताई थी, अगर ट्रिपल वन है तो उसमें आंसर भी आपका वन होगा और कैरी भी आपका वन जाएगा। अब ट्रिपल वन के नीचे क्या आया, वन, और कैरी चला गया हमारा भी वन, तो वन का वन। तो जो ये बाइनरी डिजिट हमारी आई दोनों का सम करके ये हमारी बाइनरी डिजिट आई, बाइनरी डिजिट का बेस होता है, तो हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बाइनरी एडिशन अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा बाइनरी सबट्रैक्शन, ये हमने एडिशन किया था, अभी हम करेंगे बाइनरी सबट्रैक्शन। उसके लिए भी हमें इसी प्रकार से टेबल पहले बाइनरी सबट्रैक्शन की बनानी होगी। यहां ए बी, ए माइनस बी होगा, कैरी की जगह यहां बोरो होगा,
देखिए अगर एक वाली हमारी जीरो है दूसरी जीरो है तो जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आंसर क्या होगा, जीरो मल्टीप्लाई जीरो अगर करेंगे तो आंसर होगा हमारा जीरो। अब आप ये सोच रहे होंगे सी बी सी लगा दिया मैंने, सी सी लगाया ए बी, ए बी की मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा उसके लिए मैंने यहाँ सी मेंशन कर दिया, दो डिजिट की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा तो हमारा यहाँ लेंगे उसको, तो जीरो की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा जीरो आएगा। अगर जीरो भी कम से करेंगे तो भी आंसर हमारा क्या होगा जीरो, अगर वन की जीरो से करेंगे तो भी आंसर क्या होगा जीरो, और अगर वन की वन से करेंगे तो आंसर क्या होगा हमारा वन। तो ये टेबल आप नोट डाउन करें मल्टीप्लाई की। उसके बाद हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, अब इनको हम नीचे लिख लेंगे 101 जैसे आप मैथ में करते हैं। अब इसको आपको ध्यान में रख के करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा ना मल्टीप्लाई में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वन की मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे, अब इधर देख लिया वन की मल्टीप्लाई जीरो से करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ रहा है जीरो, और वन की वन से करेंगे, वन की वन से करेंगे वन, वन की जीरो से करेंगे जीरो, वन की वन से करेंगे अब हमने नोट डाउन किया वन, और वन की वन से करेंगे वन, तो देखिए आपका फर्स्ट लाइन में ही आंसर आना चाहिए। अब सेकंड में इधर देखिए जहां भी हमने जीरो से मल्टीप्लाई किया है तो वहां आंसर जीरो ही है, ये मैथ वाला ही सेम, किसी भी डिजिट की आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा, तो इसमें फाइव की फाइव डिजिट आपकी जीरो ही रहेगी। नेक्स्ट लाइन में चलिए वन, अब यहां भी हमने वन से मल्टीप्लाई किया हुआ ये भी वन है तो वही सेम डिजिट हमारी ऐसे ही यहां जाएगी जीरो वन वन। अब आपने जब इनका एडिशन करना है तो बाइनरी एडिशन के अकॉर्डिंग ही करना है, तो जीरो का जीरो रहेगा। अब आपको बाइनरी एडिशन वाली टेबल देखनी पड़ेगी, वन और जीरो वन, ट्रिपल जीरो वन जीरो ही आएगा, वन और वन वन और वन, बाइनरी एडिशन की टेबल में देखिए वन और वन, वन और वन जीरो, और कैरी आपका जाएगा आगे वन, फिर से वन और वन जीरो कैरी जाएगा वन, फिर से वन और वन जीरो कैरी जाएगा वन, फिर से वन वन जीरो, जो पता कैरी रहेगा वो आ जाएगा हमारा आगे, ये देखिए वन जीरो 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 वन जीरो, ये जो आया हमारा मल्टीप्लिकेशन में बाइनरी नंबर उसको हम यहाँ नोट कर देंगे, फाइव टाइम जीरो वन जीरो। ओके स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से बाइनरी एडिशन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन व्हाट इज नंबर सिस्टम का पूरा टॉपिक ये क्लियर हो गया होगा, घर पर आप इनकी प्रैक्टिस करिए और अपनी होलीडे एंजॉय करिए। नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट।